और शब्द है जो हमें काफ़ी सुनने को मिलता है, जिसका नाम है जेंडर एक्सप्रेशन। ये इस चीज़ का मतलब क्या है? जेंडर एक्सप्रेशन का मतलब हुआ कि अब अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो दूसरों के आगे। आइडेंटिटी हुआ आप इंटरनली कैसा फील कर रहे हो। एक्सप्रेशन हुआ आप दुनिया के आगे कैसा शो कर रहे हो, अपने आप को कैसा प्रेजेंट कर रहे हो, आपके मैनरिज्म कैसे हैं, आपकी अपीयरेंस कैसी है, आप किस तरीके से ड्रेसअप हो रहे हो, आपका एक्सप्रेशन क्या है, आप कैसे दिखा रहे हो दुनिया को अपने आप। ओके, तो ये बेसिकली हो गया हमारा वेशभूषा, हमारे कपड़े, हमारे मेकअप एक्सेट्रा। बिल्कुल। ओके, तो ये जेंडर आइडेंटिटी से अलग है एक चीज़। आइडेंटिटी हो गया जो आप अपने बारे में फील कर रहे हो, एक्सप्रेशन हो गया आप दुनिया के आगे वो आइडेंटिटी अपनी कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, अगर जेंडर डिस्फोरिया फील हो रहा है तो सब एक डॉक्टर से मिलने से पहले या साइकोलॉजिस्ट से मिलने से पहले काफ़ी साल हम अपने अंदर ही जीते हैं, इसे अपने अंदर ही रखते हैं, तो इस टाइम पे काफ़ी कंफ्यूजन भरा स्टेज होता है, क्योंकि क्या मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ, क्या क्या ये एक्चुअली में है, मेरी फैमिली तो ऐसी नहीं है, मेरे फैमिली में ऐसे कोई नहीं है, तो ऐसे हज़ारों कंफ्यूजन आते हैं। तो ऐसे वक्त में कैसे श्योर हो कि हम एक ट्रांसजेंडर, हमें जेंडर डिस्फोरिया है? नाइस, तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है खुद समझना कि हाँ मैं बाकियों से अलग हूँ और मैं बाकियों से रिलेट नहीं कर पा रहा। बहुत बार होता है कि आपको नहीं लगता कि कुछ अलग है, दूसरे पॉइंट आउट करते हैं कि आप में कुछ अलग है। सो वो उस चीज़ को समझना, अपने आप में एक्सेप्ट करना, फिर उसके बारे में जानना एग्जैक्टली क्या है, और फिर अपनी फैमिली को फ्रेंड्स को उसके लिए एक्सप्लेन करना, कन्विंस करना, ये एक बहुत लंबी जर्नी है। इस बीच में बहुत फेजेस आते हैं जहाँ आप उदास भी होगे, घबराओगे भी, नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे, बहुत सारी चीज़ों से स्ट्रगल करना पड़ता है। सो उस बीच में अगर आपके पास है ऐसे लोग जिनसे आप शेयर कर सकते हो, खुल के बात कर सकते हो, जो आपको समझ पाए, वो बहुत मदद करेगा। तो अपने अंदर ही अंदर रखने की बजाय उसके बारे में नॉलेज गेन करना, दूसरों को बताना, दूसरों से सपोर्ट लेना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर दूसरों को बताना चाहे, हम कैसे एक सेफ पर्सन को ढूंढे जिससे हम बता सकते हैं ये चीज़, क्योंकि या इसके बारे में कुछ थॉट्स है आप? अगर हम सोचे तो हम बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं ऐसे 2-3 लोग जो हम कह सकते हैं कि हाँ ये मुझे समझेंगे या इनको मैं अपने मन की बात बता सकते हैं। तो वो लोग आपने आइडेंटिफाई करने जिनसे आप इजीली खुल के बोल सकते हो। किसी के लिए वो फैमिली मेंबर्स होंगे, किसी के केस में फ्रेंड्स होंगे, किसी के केस में वो टीचर होंगे। तो अपने लोग आइडेंटिफाई करो, एटलीस्ट एक वो लोग जिनसे आप खुल के मन की बात कह सकते हो। अगर लगता है कि मन की बात किसी और से नहीं कह पा रहे हैं, कोई फैमिली या फ्रेंड्स या रिलेटिव ऐसा नहीं अवेलेबल है, तो प्रोफेशनल हेल्प है ना, तो किसी प्रोफेशनल के पास जाओ, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाओ, जो आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। ओके, तो क्या लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं कि लोगों से कैसे खुले या कैसे बात करें उसके बारे में? बिल्कुल, बहुत सारे केसेस में फैमिली इतना इजीली एग्री नहीं करती है, थोड़ा सोसाइटी का प्रेशर कि लोग क्या कहेंगे, और उसके ऊपर लैक ऑफ अवेयरनेस भी है, पता भी नहीं है ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ सर्जरी भी होता है। बहुत लोग होते हैं जो आके बताते हैं कि हमारी फैमिली एग्री नहीं कर रही, क्योंकि उनको लगता है कि इससे इस सर्जरी में कहीं अगर हमारी जान चली गई तो क्या होगा। तो वही है कि इस चीज के लिए एक्सेप्टेंस आएगी धीरे धीरे, और पेशेंस रखना होगा, चाहे वो फैमिली को समझाना हो चाहे दुनिया में एक्सेप्टेंस लानी हो, तो टाइम लगता है। तो ये हमारे पास भी काफी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि फैमिली को कैसे कन्विंस करें, ये एक बड़ा और टाइम कंज्यूमिंग फेज है। पेशेंस बहुत बड़ी चीज है इस पूरे प्रोसेस में।